सो वेलकम बैक टू द माय वीडियो द पैनल में आज आपका फिर से सवाल। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 32 इंच का पैनल है जो कि इस तरह शेडो कुछ आ रहा है। दिखाओ मैडम, इधर यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा स्लो इमेज है। इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, बहुत ही आसान है, आप पूरा वीडियो देखते रहे आप भी कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम यहाँ से वोल्टेज लेंगे स्केलर का, कि हमारा स्केलर का प्रॉब्लम या साइड पंप का देख सकते हैं दोस्तों। इधर वी ऑन बन रहा है प्रॉपर, वीजीएस भी प्रॉपर बन रहा है। यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज वीजीएच देख सकते हैं। आप बोल रहे थे प्रॉपर नहीं दिखाते, अभी प्रॉपर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं वीआरएफ वी ऑफ सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन ऐसा आ रहा है। तो इसका सिंपल सा अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हम इसको ऑफ कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको हमने अभी बोर्ड को कर लिया ऑन। हम यहाँ पे सारे पॉइंट चेक करेंगे, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे विजीएल बन रहा है प्रॉपर 7.1। एंड एक्सीवी भी बराबर है, सीपीवी वगैरह सब बराबर है। एस टी वी भी आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे हमारा वीजीएच नहीं बनना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं वीजीएच नहीं बनना है, वीजीएच भी -7 बन रहा है। तो मतलब एक कॉप शॉर्ट है अभी, लेकिन यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट वीजीएच देंगे ना तो चालू भी हो सकते हैं। अभी मैं लगा के देखता हूँ, 1 पॉइंट वीजीएच पे है। तो वैसे भी हमें यहाँ पे देखेंगे वीजीएच, देखें हमारा वीजीएच यहाँ पे है। यहाँ से वीजीएच कॉप पे देंगे, तो वैसे देख सकते हैं कॉप पे देने के बाद पूरा पिक्चर ऑन हो चुका है। अभी मैं हटा दूंगा धीरे धीरे, नो पिक्चर में जा रहा, देख सकते हैं आप। मतलब हमारा यहाँ से वीजीएच पास नहीं होता, तो हम यहाँ से एक जंपर सिर्फ उठा के देंगे और हमारा पैनल पूरा ओके। सिर्फ एक जंपर वीजीएच देना है, देख सकते हैं अभी चालू हो गया पैनल, देख सकते हैं परफेक्ट क्लियर है। अभी हम इसको जंपर दे देते हैं, हमने दे दिया जंपर, अभी हम चालू कर रहे हैं इसको। देख सकते हैं जंपर देने के बाद ये पूरा चालू हो गया परफेक्ट, देख सकते हैं पूरा क्लियर है गाइस। HDMI लिख के आ रहा है, नो सिग्नल आ रहा है, पूरा क्लियर हो गया। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एंड आपको अगर किसी टॉपिक पे अगर कुछ वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता कमेंट में बताइए, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई देने की, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।